इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करवाने के लिए या फिर मेंबर को जोड़ने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करवाने के लिए घर के जो सबसे वरिष्ठ महिला होंगी उनके नाम से ही अप्लाई किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि महिला के नाम से ही अप्लाई होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिफ्रेंस महिला को ही दिया जाता है, इसीलिए महिला के नाम से ही राशन कार्ड के लिए आपको अप्लाई करवाना होगा। यदि आप चाहते हैं तो जेंट्स के नाम पे भी करवा सकते हैं, लेकिन महिला के नाम पे यदि करवाते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। तो जो महिला होंगी उनको हम लोग मुखिया के रूप में हम लोग देखते हैं, घर के मुखिया के रूप में हम लोग देखते हैं। तो जो घर के मुखिया जो होगी उनका जाति चाहिए, आवासीय चाहिए, आय चाहिए और साथ ही साथ आधार कार्ड चाहिए और पासबुक चाहिए और उनका साइन चाहिए। यदि साइन नहीं करती होगी तो उनसे आप फिंगर का भी निशान ले सकते हैं, अंगूठा का भी निशान ले सकते हैं। इतना डॉक्यूमेंट आपको जो घर के मुखिया होंगी उनका होना चाहिए। बाकी जिनका जिनका नाम जोड़ना है उनका केवल आधार कार्ड होना चाहिए, सभी का आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके साथ में आपको एक ग्रुप फोटो ले लेना है, जितना भी आदमी है, जैसे कि 5 आदमी आपके घर में है तो 5 आदमी का एक सिंगल फोटो होना चाहिए, मतलब ग्रुप फोटो होना चाहिए, फैमिली फोटो होना चाहिए, तब जाकर आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नाम जोड़ने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। तो यदि आपके घर में 3 लोग हैं और उनका पहले से राशन कार्ड में नाम है और आगे चलकर 1-2 आदमी और बढ़ गया है तो उनका नाम हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए जो घर के जो वरिष्ठ महिला होंगी, जो मुखिया होंगी, उनका तो लगेगा जाति, आवासीय, आय, बैंक पासबुक, साइन लगेगा और उनका आधार कार्ड लगेगा। एक चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, महिला का जो जाति होगा वह नैहर से बनेगा, बाकी सब ससुराल से ही बनेगा। जो घर के वरिष्ठ महिला होंगी उनका ये सारा चीज डॉक्यूमेंट लगेगा और जिनका नाम आपको जोड़ना है उनका केवल आधार कार्ड लगेगा। और यहाँ पर भी आपको एक ग्रुप फोटो ले लेना है, फैमिली फोटो ले लेना है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन करवा सकते हैं क्योंकि ग्रुप फोटो भी वहाँ पे लगता है, पूरा फैमिली एक ही फोटो में होना चाहिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर भी पूरा डिटेल्स दिया गया है, यहाँ से भी आप देख कर समझ सकते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में देख सकते हैं। इसका 2 तरीका है, यदि न्यू भी अप्लाई करना हो या फिर नाम जोड़ना हो तो या तो आप ऑनलाइन करवाइए या फिर आप सीधे ब्लॉक में जाकर भी आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। सभी में इतना डॉक्यूमेंट आपका लगेगा ही लगेगा, एक भी डॉक्यूमेंट यदि कमी होता है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पहले प्रॉपर वे में पूरा डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। बाकी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और यदि चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।